बस हमारी फर्ज अब इतनी ही है, बाकी कोई चीज हमसे हो पाए नहीं हो पाए कोई हर्जा नहीं। गुनाहदान स्वामी ने तो यहां तक लिख दिया कि वो तुम कुछ अपनी मुसीबतों के कारण भी कुछ भजन करते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम हल हो जाए, स्वामीनारायण 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 करके भी। उसको संत ऐसे मान दे कि हो ये तूने मेरे लिए करा, मेरी भक्ति के लिए करा। ऐसे संत कहाँ मिलेंगे। वो स्वामी की जब मैंने बात पढ़ी मैं खूब विचार में पड़ गया कि हम कुछ अपनी सकाम भावना से, माना ये डॉक्टर है अभी नहीं बात करेंगे, फैक्ट्री नहीं चलती है, ये है, इसके कारण घर जाके भजन करने बैठ जावे, उसको काका जी यूं समझे को हो ये तो मुझे प्रसन्न करने के लिए भक्ति करता है, तुम्हारे सकाम भावना को भी वो निष्काम समझे, वो साधु कैसा हो। हमारी सकाम भावना को भी वो नजरअंदाज करके उसको निष्काम समझ करके हमारे प्रारब्ध और प्रकृति को टाल के हमें सुखी करे। बाकी कोई ऐसा मान ही नहीं सकता, कोई कह नहीं, कोई नहीं कह सकता कि मैं प्रभु के पास जाता हूं निष्काम भाव से जाता हूं। दरअसल उसको मैं ये भी समझता हूं कि प्रभु का ये कोई प्रपंच होता है, ट्रायंगल रचा हुआ कि हमारा मुंह उनकी तरफ मुड़े, इसलिए कहें ऐसी परिस्थितियां जो हमें विपरीत लगे वो बना दें और हम उनकी गोद में जाके बैठें। एक बात पक्की है,